क्या हिंदू धर्म नहीं धोखा है? क्या हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद का ही दूसरा नाम है? क्या भारतवर्ष के हिंदू लोग सनातन काल से धोखे में जी रहे हैं? दोस्तों, अपनी सियासत चमकाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राजनेता लगातार सनातन हिंदू धर्म को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर सियासी स्वार्थ के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म के खिलाफ अनर्गल बयान दिया है। इस बार तो उन्होंने हिंदू धर्म को धर्म नहीं धोखा कह दिया है। दोस्तों, आज हम सनातन हिंदू धर्म से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे जिन्हें देखकर और सुनकर हिंदू धर्म के खिलाफ बिना सोचे समझे बोलने वालों की जुबान पर ताला लग जाएगा। अब देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले धर्म का सही अर्थ जान लीजिए। धर्म ना तो रिलीजन, ना ही मजहब, ना ही पंथ, ना संप्रदाय और ना ही किसी फिरके का पर्यायवाची है। इसलिए धर्म का संस्कृत या संस्कृत से निकली भाषाओं के अलावा किसी भी भाषा में सही सही अनुवाद नहीं हो सकता। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कर्तव्य या जिम्मेदारी उठाना। ये कर्तव्य या जिम्मेदारी माता पिता, बच्चों से लेकर समाज और फिर सनातन के मूल्यों और अंत में परमात्मा को पाने तक है। इस हिंदू धर्म को अपनाकर ही अनेक दलित और आदिवासी संतों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है। सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के महान महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू धर्म के सबसे महान ग्रंथ रामायण की रचना की है। महर्षि वाल्मीकि को दलित जाति का माना जाता है। पूरे भारत में आज भी वाल्मीकि समाज के लोग दलित माने जाते हैं, लेकिन उनके पहले पूर्वज महर्षि वाल्मीकि का स्थान हिंदू धर्म के सर्वोच्च ऋषियों में से एक है। दलित संत रविदास ने हिंदू होते हुए परमात्मा को प्राप्त किया। वो संत रविदास जिनके गुरु रामानंद ब्राह्मण थे। यही नहीं, इस धर्म ने कबीर, नामदेव, चोखो मेला, संत कन्हो पुत्र जैसे दलित संतों को भी परमात्मा तक पहुंचा दिया। आधुनिक काल में सबसे बड़ी मिसाल स्वामी रामदेव और बाबा बालकनाथ योगी हैं। ये दोनों ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि पिछड़ी यादव जाति से आते हैं, लेकिन ये दोनों अपने अपने पांडित्य और योग साधना के दम पर हिंदू धर्म में स्वामी और योगी महंत की उपाधि से सम्मानित हैं। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण हैं जहां हिंदू धर्म से जुड़ी दलित, आदिवासी, पिछड़ी और दूसरी गैर ब्राह्मण जातियों को सनातन हिंदू धर्म और उसके समाज ने संत, साधु, महंत, ऋषि और महर्षि की उपाधि से नवाजा है। सनातन हिंदू धर्म की इसी प्राचीन धरती पर यह कहावत मशहूर है, जात ना पूछो साधु की। पिछड़ी दलित जातियों से जुड़े जिन लोगों ने बाधाओं को तोड़कर संस्कृत सीखी, संस्कृत के अमूल्य ग्रंथों का अध्ययन किया, सनातन के योग और आध्यात्म को अपनाया, उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी अहम जगह बनाई है। ऐसे लोगों के लिए जिस ब्राह्मणवाद की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं वो कभी बाधा नहीं बना। दोस्तों, ब्राह्मणवाद का रोना वही लोग रोते हैं जिन्हें सिर्फ सियासत करनी है या जिन्हें संस्कृत ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। उन संस्कृत ग्रंथों जिनमें इस ब्राह्मांड से जुड़े रहस्य छुपे हैं जो किसी भी व्यक्ति को शिखर पर पहुंचा दे। नकारात्मक सोच वाले लोगों को ये फैक्ट कभी नहीं दिखेगा। असल में ऐसे लोग ही धोखे में जी रहे हैं और इनकी आंखों पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ा है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे धोखे में जी रहे लोगों की नजरों पर पड़ा ये पर्दा हट जाएगा। जिस हिंदू धर्म को स्वामी प्रसाद मौर्य धोखा और ब्राह्मणवाद कह रहे हैं उसके पांच प्रमुख सिद्धांत है। अगर कोई अपने जीवन में इन पांच सिद्धांतों को अपनाता है तो सनातन हिंदू माना जाएगा। ये पांचों सिद्धांत ऐसे हैं जिनके पालन में न तो जाति बाधक है और न ही ब्राह्मणवाद। पहला सिद्धांत है चार पुरुषार्थ, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के बारे में तो आप पहले ही जान चुके हैं। अर्थ का मतलब ईमानदारी से कमाई करके जीविका चलाना है। काम का मतलब संतान को जन्म देकर उसका पालन पोषण करना है और मातृ पितृ ऋण से मुक्त होना है। मोक्ष का मतलब है सभी कर्तव्यों को पूरा कर जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करना। ये सभी लोगों के लिए है। इन पुरुषार्थों के जरिए हिंदू धर्म की हर जाति के लोगों ने परमात्मा को प्राप्त किया है। इसमें बाधा उन्हीं लोगों को है जिन्हें सनातन हिंदू धर्म के बारे में सही ज्ञान नहीं है। ऐसे ही लोग ब्राह्मणवाद का रोना रोते हैं और हिंदू धर्म पर अनर्गल आरोप मढ़ते हैं। दूसरा सिद्धांत,
कर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब है कि जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, और किसी के साथ आज जो व्यवहार या घटना हो रही है उसके लिए 100% वही जिम्मेदार है। दूसरा व्यक्ति इसमें एक उपकरण या टूल ही बन सकता है और कुछ नहीं। गीता में कहा गया है कि मन, वाणी और शरीर से की गई सभी क्रियाएं कर्म है। मनुष्य अपने कर्मों के प्रति इसलिए अलर्ट रहता है क्योंकि प्रत्येक कर्म का उसे फल जरूर मिलता है। गीता में बिना किसी फल की इच्छा और स्वार्थ रहित होकर कर्तव्यों के पालन को ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। तीसरा सिद्धांत, तीन ऋण का सिद्धांत है। हर व्यक्ति पर तीन ऋण होते हैं। ये तीन ऋण है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण का अर्थ है भगवान के बनाए जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उसके प्रति आभार व्यक्त करना। इस ऋण को चुकाने के लिए प्रतिदिन अपने ईष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ऋषि ऋण, भगवान शंकर से शुरू माने जाने वाली इस ऋषि परंपरा के प्रति आभार व्यक्त करना है। रामायण, गीता, वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों का पाठ, संत महात्माओं के सत्संग में भाग लेना इस ऋण से मुक्ति दिलाता है। पितृ ऋण माता पिता, भाई बहन आदि के प्रति होता है। माता पिता की सेवा, भाई बहनों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध के द्वारा इन ऋणों से मुक्ति मिलती है। सनातन हिंदू धर्म का चौथा प्रमुख सिद्धांत है आत्मा की अमरता। हिंदू धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है। उसका मानना है कि शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा अमर होती है। आत्मा ही शरीर को जीवन देती है। व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है लेकिन आत्मा इन कर्मों से प्रभावित नहीं होती, और आत्मा सभी जीव में एक समान रूप से विद्यमान है। आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। सनातन हिंदू धर्म का पांचवा प्रमुख सिद्धांत है आध्यात्मवाद। यह हिंदू धर्म का एक मौलिक सिद्धांत कहा जा सकता है। आध्यात्मवाद का मतलब सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर साधु संन्यासी बन जाना नहीं, बल्कि जो व्यक्ति विचार, कार्य और व्यवहार से जितना अधिक पवित्र होता है वो आध्यात्मवाद के उतने करीब होता है। आध्यात्मिक प्रगति में ब्राह्मणवाद की बात छोड़िए, कुछ भी बाधक नहीं है। सनातन के महान संत गोरखनाथ, महावतार बाबा जी, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक, साईं बाबा, गणेशपुरी के भगवान नित्यानंद, नीम करौली बाबा, इसी आध्यात्म के दम पर लोगों के बीच भगवान के पद तक पहुंच गए। सनातन हिंदू धर्म के ये पांचों प्रमुख सिद्धांत इस धर्म में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के लिए हैं। सिद्धांत के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं है। व्यवहार के स्तर पर भी जो भेदभाव दिखता है वो मानव स्वभाव के अलावा कुछ नहीं है, और ये मानव स्वभाव मानव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। ये भेदभाव भी सनातन हिंदू धर्म के उच्च और परम लक्ष्य को पाने के साथ खत्म हो जाता है। भारतवर्ष में पैदा होने वाले हर व्यक्ति सनातन हिंदू धर्म से ही जुड़ा है। वास्तव में सनातन हिंदू धर्म को धोखा कहने वाले लोग खुद धोखे में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो अंग्रेजों की शिक्षा, उनके बनाए इतिहास, उनके बनाए सिद्धांतों के चश्मे से ही धर्म को देख रहे हैं। उनकी नजर के आगे पर्दा पड़ा है, उन्हें सही चीज नहीं देखने दे रहा। हिंदू धर्म अनादिकाल से चले आ रहे सनातन मूल्यों पर आधारित है। ये धर्म ईसाई या इस्लाम की तरह किसी खास धार्मिक किताब या पैगंबर पर आधारित नहीं है, और ना ही ये इन मजहबों की तरह किसी खास कालखंड में पैदा हुआ है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।